अस्सलाम वालेकुम नाज़नी, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है साबुत माँ, यानी कि आज जो हम आपको माँ की दाल बनाना सिखा रहे हैं ये कैसे बनेगी, इसकी रेसिपी क्या है ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाह, ये मैंने ना प्याज ले लिया है, तो ये ना मैंने ना थोड़ा सा ऑयल डाल, हम लोगों ने एक अदर इसके अंदर प्याज काट कर बारीक बारीक कुकर अच्छा, में रख देती हूँ। और कुकिंग ऑयल हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन एक दो अच्छा, जो है वो शामिल किया। इसमें ना एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ेगा, ठीक है। ये एक चम्मच मैंने मिर्च ली है, ये पौना चम्मच लिया हल्दी का, आधा चम्मच जीरे का, आधा चम्मच नमक का, क्योंकि नमक हम कम खाते हैं, ठीक है। ये डेढ़ पाव माँ है, ठीक है। ठीक है, तो माँ को हम लोगों ने पानी में भिगो कर रख दिया है। ये मैंने दो तीन घंटे पहले भिगो दिए थे, ठीक है। तो ना हमारे तो यहाँ पे ना पंजाब में अक्सर मेहंदी पे बच्चों की शादियाँ होती हैं ना, तो अक्सर लोग ना ये रस्म है पकाते हैं, वैसे भी पकाते हैं माँ। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ साबुत माँ पका के, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले प्याज ब्राउन करने हैं, हाँ जी। फिर ये मसाला भुनेंगे ना, ये लहसुन अदरक डालेंगे, फिर हम ये मसाला डाल के, फिर ये डाल के ना प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने आज की जो सी रेसिपी है वो पूरी देखनी है और देखना है कि जो से ये साबुत माँ जो कि पंजाब की एक ट्रेडिशन कह सकते हैं, जैसे कि अभी आपसे मम्मा ने डिस्कस किया, शेयर किया कि यहाँ पर मम्मा मेहंदी पर भी एक डिश बनाई जाती है। तो आप लोगों ने देखना है कि जो से मज़ेदार सी ये साबुत माँ की रेसिपी है, ये जो हम आपको दाल बनाना सिखा रहे हैं ये कैसे बनेगी। तो व्यूअर्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्याज है यहाँ पे ब्राउन हो रहे हैं, हमने इनको लाइट कलर देना है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो सी मरी मज़ेदार सी माँ की रेसिपी, माँ की जो दाल हम लोग बनाना सिखा रहे हैं साबुत माँ की, वो कैसे तैयार होगी। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया, एक चम्मच तकरीबन हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो प्याज आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने तो ज़्यादा कलर नहीं दिया, इसी दौरान हम लोगों ने जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसके अंदर हम लोगों ने शामिल कर दिया। तो इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से भूनेंगे, जितना अच्छा हम लोग इसको भूनेंगे जितनी अच्छी अच्छी बनाई होगी उतनी ही अच्छी अच्छी खुशबू आएगी और जो हमारी रेसिपी है वो अच्छी सी तैयार हो जाएगी। अब दो मिनट इसे भूनते हैं ना, तो हम लोगों ने इसको भूनना है। तो दो मिनट हो चुके, तो अब हम लोग इसके अंदर वही स्पाइसेस शामिल करें। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने कौन कौन से स्पाइसेस लिए हैं और उनकी मिकदार क्या है। तो आप लोग इसको इसलिए कहा जाता है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता हो। कुछ लोग हमसे मतलब फिर बाद में पूछते हैं कि हम लोगों ने कितना लिया था, ये हो गया कम हो गया ज़्यादा। तो आप लोग केयरफुली वीडियो को वॉच किया करें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हम लोगों ने कितनी मिकदार, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में ब्रीफ करते हैं हर चीज़ को, हम लोग अगेन एंड अगेन हम लोग इसको रिपीट करते रहते हैं ताकि आपको आसानी समझ लग जाए कि जो हमारी रेसिपी है ये कैसे तैयार होगी। तो आप लोग इसलिए इस वीडियो को पूरा देखा करें, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कहीं कोई आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोगों ने वही साबुत माँ जो हम लोगों ने तकरीबन दो से तीन घंटे के लिए भिगोए हुए थे हम लोगों ने उसमें शामिल कर दिए हैं। तो जब तक हम लोग ये माँ डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि बहुत टेस्टी बनते हैं, बना के देखें बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ जी, ये मैंने पानी डाल दिया, मैं तो पानी तकरीबन हम लोगों ने एक जग डाल दिया है। हाँ जी, अपने हिसाब से डालना है ना जितने माँ है, ठीक है। तो हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। हाँ जी, तो भी केयरफुल जब आप कुकर को बंद कर रहे हो और तो अब हम इसको दम पर रख देते हैं। हाँ जी, ये आप सीटी बोलेगी ना उससे बाद बंद करके, ठीक है व्यूअर्स। तो आप लोगों ने कहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है। तो व्यूअर्स, हम लोग खोल के देखते हैं कि जो से हमारे साबुत माँ हैं वो कैसे तैयार हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह खुशबू तो बहुत उम्दा आ रही है। हाँ जी, अभी पतले हैं थोड़े से ना और पकाते हैं, मतलब अभी थोड़े से ये इसको हम लोग और मजीद गाढ़ा करते हैं। तो उसको हम लोग ढक्कन में दोबारा कुकर को बंद करेंगे कैसे? नहीं, ऐसे ही रख देंगे, ढकना देखे ना, ढकना देखे, ठीक है। तो व्यूअर्स, अभी थोड़ा सा ये सालन जो है वो पतला है तो हम लोग थोड़ा सा मजीद गाढ़ा करते हैं और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से ये जो साबुत माँ है वो कैसे तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोगों की जो हंडिया है वो तैयार हो गई है। तो इसको हम डिश आउट कर रहे हैं, हम लोगों ने इसको पकने के लिए रखा था ताकि ये गाढ़े हो जाएं। तो ये आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से जो हमारे साबित माँ आज की जो हमारी रेसिपी है वो तैयार होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी ये पसंद आई। पसंद आए तो हमारे जगह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये इसकी फाइनल लुक है और आप इसको देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से साबित माँ है ये तैयार हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। माँ आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।